हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल यक्षवर्ण मम्मा। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेरा सैटरडे का ब्लॉग है और मैं वॉइस दे रही हूँ बट अच्छे से आने रही थी तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया है। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ बहुत ही अच्छा सा लंच प्रिपेयर करने, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। और यक्षित यहाँ पर अपने दादू से बात कर रहे हैं, तो चलते हैं और बनाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़े। तो यहाँ पे देखिए, मैंने दही लिया है, दही में मैंने बेसन ऐड कर दिया और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें वाटर ऐड करेंगे। और यहाँ पे जो पकौड़े बनाने हैं बड़ी, उसके लिए यहाँ पे मैंने बेसन लिया है। और इसमें मैं क्या क्या ऐड कर रही हूँ दिखाती हूँ आपको। तो थोड़ा सा बेसन लिया है क्योंकि हम लोग 3 जने ही हैं खाने वाले। तो यहाँ पे मैंने इसमें डाला है सॉल्ट, थोड़ा सा रेड चिल्ली पाउडर और थोड़ा सा जीरा और हल्दी। ये सारी चीज़ें एकदम थिक मिक्स करेंगे और लास्ट में थोड़ा सा जो खाने वाला सोडा होता है उसे ऐड कर देंगे, तो बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है। और यहाँ पे मेरी जो कढ़ी है उसकी प्रिपरेशन देखिए आप लोग। तो दोनों साथ साथ कर रही हूँ मैं, और मेरी सासू माँ बहुत अच्छा बनाती हैं बट मैं आज ट्राई कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये जो हमारी बरी है उसका जो बन गया है, तो थिक, कितना थिक मैंने बनाया, ऐसे ही आप बनाना। और ये हमारा मिक्सचर भी रेडी हो चुका है कढ़ी वाला, तो इसे थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने लिया है ग्रीन चिली, रेड चिली नहीं है। और ये हमारे कढ़ी वाले पकौड़े जो हैं, इनको छोटा छोटा ऐसे हम लोग ऑयल में फ्राई कर देंगे, मस्टर्ड ऑयल में, थोड़ा सा लो फ्लेम। तो फ्रेंड देखिए, मैंने कैसे छोटे छोटे इसको ऑयल में मैं फ्राई कर रही हूँ, और इतना अच्छे से फ्राई हो गया था ये। तो इतना फ्राई किया मैंने, इतना हमारे बहुत है। और यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है, थोड़ा सा हींग, ज़ीरा और आप सूखी मिर्च का ऐड करना हमारे पास नहीं था, तो हमने ग्रीन चिली डाल दिया खड़ा थोड़ा सा कट करके। और इसमें मैंने ये हल्दी में थोड़ा सा मैंने पानी मिक्स किया ताकि ये जले नहीं। मम्मी ऐसे ही करती हैं तो मैं भी ऐसे ही बना रही हूँ आज। तो ये सब चलते हैं फ्राई करते हैं। फिर जो हमारा कढ़ी जो मैंने बनाया है दही वाली, फेट के रखा है, उसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। तो ये हमारी मिर्ची देखिए फ्राई हो गई है, इसमें हम डालेंगे हल्दी, जो पानी वाला हल्दी था, और मसाले, सूखे मसाले, ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करेंगे, सब्जी मसाला नहीं ऐड करेंगे, सिर्फ रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और बस ये सब मिक्स करेंगे। तो ये हमारा हल्दी वगैरह सब मिक्स हो गया है, इसमें डालते हैं थोड़ा सा धनिया पाउडर। तो ये हमारा धनिया पाउडर है और थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डालेंगे और सॉल्ट एकदम लास्ट में डालेंगे जब हमारी जो कढ़ी है अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो फ्राई हो चुका है, आप इसमें टमाटर भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने ये कढ़ी जो मैंने फेट के रखा था ये मैंने डाल दिया, थोड़ा थिक लग रहा है तो इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी। और इसे कंटिन्यू ऐसे चलाते रहना, अगर आप छोड़ दोगे तो शायद फट भी सकता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ, चलाती रहती हूँ इसको ही हल्के हाथ से। तो ये देखिए हमारे कढ़ी, इसका कलर थोड़ा सा वो आ रहा होगा कैमरे की वजह से बट बहुत ही अच्छा कलर आया था कढ़ी का। तो जब ये एकदम अच्छे से पक जाएगा, और ये देखिए कलर इसका अच्छा लग रहा है, फिर हम इसका जो हमने पकौड़े बनाए हैं वो इसमें डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ढक के। तो ये हमारी कढ़ी जो है रेडी हो चुकी है, और इसके साथ मैंने बनाया है राइस। तो आज हम लोग कढ़ी और राइस खाएंगे, बाद में मैंने आलू की सब्जी भी बनाई थी। तो आई होप आपको कढ़ी रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना हमारी नोटिफिकेशन के लिए, जो भी मैं वीडियोस डालती हूँ। ये मेरा बेटा देखो बैठ के ड्राइंग ही बना रहा है, 24 घंटे ड्राइंग बनाता है। तो थोड़ा सा मैं बैठ गई कि थोड़ा सा ये बना लें, रोते रहते हैं ड्राइंग के लिए। फिर उसके बाद लंच वगैरह हमने कर लिया है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं छत पे, शाम हो गई थी, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। तो यक्षित अपने चाचू के साथ आए हैं छत पे और ये अपना बाइक चला रहे हैं, मैं भी आ गई थोड़ा सा फ्रेश एयर छत को, छत पे शाम को लेने के लिए। और यहाँ पे मैं आ गई नीचे, लंच डिनर टाइम हो गया, सॉरी
डिनर में मैंने बनाए थे पराठे और पनीर की सब्ज़ी। सिर्फ मैं और यक्षित हैं आज डिनर में, ये दोनों भाई गए हैं अपना बाहर खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो यक्षित और मैं पराठे और पनीर ही खा लेते हैं, तो मैं यहाँ पे पराठे बना रही हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। और यक्षित यहाँ पे अपना मस्ती कर रहे हैं, तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। इनके पापा भी आ गए हैं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।